तो कैसे हो आप सब। चलो आज आप लोग की रिक्वेस्ट पे मटका केक आप लोग के लिए मैं ला चुका हूँ। तो देखते हैं आज का जो मटका केक है मैं बनाने वाला हूँ उसको मैं क्या और कैसे डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं बनाऊंगा, हाफ केजी में बनाऊंगा, लेकिन मटका केक का शेप कैसे देते हैं इस वीडियो में आज आप लोग को मैं बताऊँगा। आप लोग भी कोशिश करना और हमें फिर इंस्टाग्राम पर टैग भी करना। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो जो कि हाफ केजी का मैं मोल्ड लिया था उसको पहले से ही थोड़ा डोम शेप पे मैं दे दिया था और पाइपिंग बैग से इसका मैं आइसिंग किया था, जो कि देख सकते हो व्हाइट क्रीम का ही कर रहा हूँ क्योंकि ऊपर से मैं न्यूट्रल जेल का यूज करूंगा। आप चाहो तो डायरिंग पे ही कलर मिला करके फिर उसके बाद फिर यूज कर सकते हो। तो देख सकते हो केक मेरा फिनिशिंग चढ़ चुका है। उसके बाद हमें पाइपिंग बैग लेना, उसमें क्रीम भरना है, लेकिन क्रीम थोड़ा लूज रखना। ठीक है, ज्यादा टाइट नहीं रखना क्योंकि फिनिशिंग करने में नहीं तो प्रॉब्लम होगा। लूज रखोगे थोड़ा तो अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगा हल्के हाथ से। इसका देख सकते हो ऊपर का जो कोर रहता है मटके का उस हिसाब से आपको बनाना होगा और बहुत ही आराम से, मतलब इस तरह का कुछ छोटा स्क्रैपर होगा तो बना लेना और उसी की मदद से आप अगर हो सके तो फिनिशिंग देना बहुत मस्त होगा, क्योंकि डायरेक्ट आइसिंग पट्टी से अगर चाहोगे फिनिशिंग करना तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ये जो मैं जिससे फिनिशिंग दे रहा हूँ OHP शीट बोलते हैं, इसको ऑनलाइन पे भी मिल जाएगा और जो हम लोग फोटो केक बनाते हैं ना उसके नीचे आता है, तो आप कट करके चाहो तो बना सकते हो। तो इसका देख सकते हो मैं क्रीम का अच्छे से फिनिशिंग दे चुका हूँ। बाकी जो न्यूट्रल जेल रहता उसमें ऑरेंज कलर ऐड करके ये जेल बनाया हूँ, थोड़ा पानी भी डाल लेना ताकि फिनिशिंग अच्छा आएगा। और उसके बाद जो जेल डाला हूँ उसको भी ऐसा डोम पट्टी बोलते हैं, इसको पट्टी से अगर मिक्स करोगे तो बहुत हल्के हाथ से। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दबाओगे उसको तो फिर वो क्रीम में टच होगा, पूरा फिनिशिंग खराब होगा क्योंकि पूरा ऊपर का है वो क्रीम है। ठीक है, स्पंज नहीं है इसलिए कैसा भी दब जाएगा। तो फिनिशिंग देख सकते हो मेरा अच्छा खासा आ चुका है जो कि न्यूट्रल जेल डालने के बाद में। अब इसका बारी आ गया डिजाइन का। ठीक है, क्योंकि मटका तो सजाना तो पड़ेगा, नहीं सजाओगे तो अच्छा लगेगा नहीं। तो देखते हैं इसका फिर क्या किस तरह से डिजाइन करते हैं। अगर आप लोग भी करना चाहो तो कर सकते हो, देखने में वैसे बहुत मस्त है। और मैं फोटो भी डाला था तो आप लोगों ने कमेंट किया था, मैं वैसे सोचा कि चलो बिना वॉइस का ही डाल दूंगा इसलिए मैं आपसे पूछा। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, ऐसा कोई भी नहीं बिना वॉइस का डालो, सबने बोला कि वॉइस के साथ डालना और आप लोग को बताना किस तरह से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप लोग के रिक्वेस्ट पे जैसा आप लोगों ने बोला वैसा ही कर रहा हूँ। तो चलो डिजाइन का मैं बता देता हूँ। देख सकते हो व्हाइट क्रीम लिया हूँ जो कि बीच में लाइनिंग डाला, ऊपर येलो क्रीम ही, मतलब व्हाइट क्रीम पे येलो कलर मिला करके, और देख सकते हो ऐसा जाली बना दिया हूँ ऊपर का, और बीच में भी कुछ इस तरह से डिजाइन था जो कि दे दिया। उसके बाद पिंक कलर का, मतलब जो भी इधर मैं कर रहा हूँ डिजाइन वो टोटल क्रीम का रहेगा। ठीक है, जेल वगैरह का कुछ भी नहीं है। तो पिंक कलर का भी बना चुका हूँ, देख सकते हो इस तरह से डिजाइन दे दिया। अब इसमें हमें ग्रीन का बीच में बड़ा देके साइड साइड से छोटा छोटा सर्कल बना दिया। मतलब कुल मिला के ऐसा आपको बनाना होगा कि देखने में अच्छा लगे, क्या डिजाइन ऐसा करे जो मेरा मतलब देखने में थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, मटका मतलब मटका का शेप में रहेगा। और प्लस अगर किसी को जैसे कस्टमर को दे रहे हो या फिर खुद के लिए बना रहे हो या फिर कुछ भी, तो हाँ अगर मेहनत कर रहे हो तो ऐसा करना कि हाँ देखने में बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, ताकि आप बनाओ तो आपका मेहनत सफल हो। साइड का डिजाइन कंप्लीट कर दिया, ऊपर में भी था तो देख सकते हो ब्लैक से इस तरह से मार के बीच में डॉट डॉट लगा दी हूँ, और बीच में जो गैप बच रहा है वहाँ पे मतलब हमें क्रीम से ही सजाना है। और बहुत जने ऐसा एक चीज़ बोलते हैं ना कि आप स्टैंड पे डायरेक्ट आइसिंग करते हो फिर बेस पे कैसे लेते हो केक को, इसके लिए मैं ये पार्ट रख दिया था ताकि आप लोग देखो इस तरह से उठा लेते हैं, छोटा रहने दो बड़े रहने दो आराम से आ जाता है। और एक चीज़ और कमेंट रहता है कि बेस पे अगर क्रीम लगाते हो तो हाथ में नहीं लगता है, तो वो भी नहीं लगता है, हम लोग नीचे से पकड़ते हैं और बेस पे क्रीम नहीं लगाते हैं तो हम लोग का खुद अच्छा लगता नहीं है। इस तरह से बेस पे क्रीम रहने से ऑटोमेटिक केक हम लोग को अच्छा दिखने लगता है। ठीक है, और क्रीम लगाने के बाद में थोड़ा झिक झक का ऐसा डिजाइन दे दिया बेस पे ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। और बाकी ऊपर जो गैप बच रहा है वहाँ पे हमें मक्खन भरना है, मतलब रियल वाला नहीं है लेकिन क्रीम सही, लेकिन हाँ उसमें भरा हुआ रहता है ना वाइट का, इसलिए इसमें भी भर दिया हूँ। तो और फिर ऊपर टॉप में हमें बांसुरी रखना है। ठीक है, तो वो भी रख दूंगा। तो वीडियो अगर आप लोग यहाँ तक देखे हो तो एक रिक्वेस्ट छोटा सा कि जय श्री कृष्ण कमेंट करके जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है केक बनाने में, आप लोग को भी पता है, और आप लोग को कमेंट और लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि नेक्स्ट वीडियो फुल एनर्जी के साथ में अपलोड करने का। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका, फोटो लास्ट में ऐड कर दूंगा। और ये छोटा सा केक कैसा बना कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।